Hello students, now in the last video of the lesson nutrition in animals, we will study the nutrition in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in ponds, pools and ditches. Amoeba एक सेल का बना हुआ ऐसा organism है जो वाटर वाली जगह में हर जगह होता है. जहाँ भी वाटर होगा वहाँ हर जगह मिलेगा. इट कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप बाई पुशिंग आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट दैट आर मीन्ड फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड. ये अपनी बॉडी की शेप को लगातार बदलता रहता है अपनी बॉडी से फॉल्स फीट बाहर निकालकर, जिनको हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं. ये फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया इसको मूवमेंट करने में, लोकोमोशन में और फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा. सारे प्रोसेसेस जितने भी हैं, चाहे वो इनगेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है या ईगेशन है, सारा कुछ एक ही सेल के द्वारा होता है. इसीलिए हम इसको यहाँ पर एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म की तरह स्टडी कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द इनगेशन इन द अमीबा. अमीबा ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड. बहुत छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनको ये अपने फूड की तरह खाता है. दैट फ्लोट ऑन वाटर इन विच इट लिव्स. जो जहाँ पर ये रहता है उस वाटर में रहते हैं. When an amoeba finds a suitable organism, it pushes out two pseudopodia around the organism gradually. The tips of the pseudopodia fuse with each other. देखिए किस तरह से आप फिगर ए को देखिए, इनगेशन, किस तरह से ये अपनी बॉडी से दो स्यूडोपोडिया बाहर निकालता है जहाँ पर भी इसको इसका सूटेबल फूड मिल जाता है. और दोनों ही स्यूडोपोडिया जो फॉल्स फीट इसने बनाए हैं दोनों ज्वाइन हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जो फूड मटेरियल है वो इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है. As a result, the food is engulfed along with a little surrounding water to form a food vacuole inside it. जो फूड था थोड़े से वाटर के साथ, मतलब जो उसकी चारों तरफ वाला वाटर होता है उसको भी ये साथ में ले लेता है और इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है और एक फूड वैक्यूल बन जाती है. यू कैन सी द फूड वैक्यूल इन द डायग्राम बी. नेक्स्ट इज डाइजेशन. अब जो फूड इसने खाया है वो कैसे डाइजेस्ट होगा. द एंजाइम्स फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर द फूड वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस. जो डाइजेस्टिव जूसेस ये अपनी बॉडी से निकालता है उससे ये फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन. द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म. जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब डायरेक्टली इसके साइटोप्लाज्म में, जो इसकी सेल के अंदर एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एसिमिलेशन. द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म इज स्टोर्ड और यूटिलाइज्ड फॉर इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. और जो भी न्यूट्रिएंट्स इसकी बॉडी में पहुंचते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इस तरह से ये ग्रोथ कर पाता है, डेवलप हो पाता है और अपना रिप्रोडक्शन कर पाता है. मल्टीप्लिकेशन मीन्स एक से दो अमीबी बनना और इस तरह से ये बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करके अपने अमीबी बना लेता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है इसी फूड से. द लास्ट इज़ इनगेशन. इनगेशन में क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द वैक्यूल. फिर से जो फूड वैक्यूल बनी थी उसी फूड वैक्यूल के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कलेक्ट कर लिया जाता है. द सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स एट एनी प्लेस एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी बाई द वैक्यूल. और जो वैक्यूल बनी थी वो कहीं से भी
जो इसकी बाहर की मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाती है, फट जाती है, बस्ट हो जाती है, और ये फूड वैक्यूल जो वेस्ट मटेरियल वाली फूड वैक्यूल थी उसको ये बाहर निकाल देता है और इससे ये ईगैशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स किसको कहते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो ग्रास और प्लांट्स खाते हैं इनको हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं। सर्टेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउज, बफलोज, डियर एंड शीप क्विकली च्यू द फूड, मिक्स इट विथ सलाइवा एंड स्वेलो। आपने देखा होगा ये बहुत जल्दी जल्दी कट करके सारा अपने मुंह में रखते जाते हैं और स्वेलो कर लेते हैं। डू यू नो व्हाई कार्निवोर्स ईट दीज ग्रास ईटिंग एनिमल्स एज देयर फूड? अब आपको पता है ये जंगल में जब रहते हैं और कार्निवोर्स इनको खा जाते हैं तो इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें अपने फूड को वहाँ पर खड़े होकर खाने में। टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय कार्निवोर्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली ईट देयर फूड, दे देन मूव टू अ सेफर प्लेस एंड ब्रिंग द फूड बैक इनटू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड च्यू इट। तो ये क्या करते हैं, जल्दी से कट करके और ये अपने मुँह में रख लेते हैं और इस तरह से फिर ये सेफर प्लेस पर चले जाते हैं और वापस इस च्यूड फूड को अपने माउथ में लाकर फिर पूरा प्रोसेस इनके बॉडी के अंदर डाइजेशन का स्टार्ट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज़ कॉल्ड र्यूमिनेशन। जब ये वापस लाकर अपने मुंह में दोबारा से इसको च्यू करते हैं ये कहलाता है र्यूमिनेशन, और इन एनिमल्स को हम कहते हैं र्यूमिनेंट्स। इन र्यूमिनेंट्स द स्टमक इज डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर्स, र्यूमिन, रेटिकुलम, ओमैसम एंड एबोमैसम। इनके जो इनका जो स्टमक है ये चार पार्ट्स में बटा होता है, इसीलिए हम इसको कंपाउंड स्टमक भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक। द फूड दैट इज स्वेलोड गोज इंटू द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट चैम्बर द र्यूमिन। इनके पास एक सबसे बड़ा चैम्बर होता है जिसका नाम है र्यूमेन। सबसे पहले फूड इसमें जाता है, हियर इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज़ कॉल्ड कर्ड। ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है और अब हम इसको कर्ड कहते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द र्यूमेन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ग्रास। इन ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास में सबसे ज़्यादा सेलुलोज होता है, तो इनकी र्यूमेन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गोज टू द सेकेंड चैम्बर और द रेटिकुलम। जब ये थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा मींस बैक्टीरिया ने सेलुलोज को चेंज कर दिया, तब ये फूड पहुंचता है सेकेंड चैम्बर में एंड दैट इज रेटिकुलम, फ्रॉम वेयर इट इज रिटर्न टू द माउथ फॉर थॉरो च्यूइंग। वहाँ से ये वापस माउथ में आता है, फिर ये दोबारा से इसको च्यू करते हैं पूरी तरह से, क्योंकि पहले तो इन्होंने ग्रास को सिर्फ कट करके अपने माउथ में रख लिया था। आफ्टर थॉरो च्यूइंग एंड मिक्सिंग विद द सलाइवा, जब पूरी तरह से च्यूइंग हो जाती है और फूड पूरा सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, द रीच्यूड फूड इज स्वेलोड अगेन। जो दोबारा से इन्होंने च्यू किया था अब ये फिर से स्वेलो कर लेते हैं और ईसोफेगस के थ्रू अब ये कहाँ पहुँच जाता है, इट नाउ बाईपासेस द फर्स्ट टू चैम्बर्स। अब ये फर्स्ट दो चैम्बर्स को छोड़ देता है एंड एंटर्स द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट चैम्बर द ओमैसम। अब दोबारा से ये र्यूमेन और रेटिकुलम में नहीं जाता, अब ये सीधा कहाँ जाता है, ओमैसम में। हियर इट इज़ ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पीसेज। अब ये यहाँ पर फिर से ब्रोकन डाउन होता है, तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पीसेज में चेंज हो जाता है। द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर और द एबोमैसम। जब ये बहुत बारीक पार्टिकल में चेंज हो जाता है तब ये एबोमैसम में पहुंच जाता है। हियर अ काइंड ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रीटेड। यहाँ पर एक अलग गैस्ट्रिक जूस है जो सिक्रीट होता है, इट कंटेन्स एन एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर इसमें एक एंजाइम भी है गैस्ट्रिक जूस में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ पर सिक्रीट होता है एबोमैसम में। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कम्प्लीट्स हियर। यहाँ पर एबोमैसम में
डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. डाइजेस्टेड फूड नाउ पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. हियर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस. अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है. द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास हो जाता है आगे एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं. ये डायग्राम आपको बनाना है अपनी नोटबुक में. ऊपर जो अमीबा के डायग्राम थे वो बनाने हैं आपको और एक डायग्राम जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग जो मैंने आपको एक वीडियो में बोर्ड पर बनाकर दिखाया था वो आपको डायग्राम बनाना है. ये डायग्राम आपको इस लेसन के अंदर बनाने हैं. नाउ द लास्ट पैराग्राफ. Some animals like horses and rabbits have a large sac-like structure between esophagus and small intestine. कुछ animals हैं जैसे horses या rabbit, इनके digestive system में थोड़ा सा change होता है. इनके पास एक esophagus और small intestine के बीच में जैसे हमारे पास stomach है, इनके पास एक बड़ा bag जैसा structure होता है. It is called cecum. इसको हम cecum कहते हैं. Cellulose is digested in the cecum by the action of certain bacteria. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. हम अगर cellulose खा लें तो हम cellulose को digest नहीं कर सकते because we don't have cecum. Cecum और कुछ उसके अंदर present bacteria ही cellulose को digest कर पाते हैं. तो वही animals cellulose को digest कर सकते हैं जिनके पास cecum होता है. In the last, you can see the diagram of the ruminant's digestive system. आपको ये नीचे वाला डायग्राम नहीं बनाना है, आपको ऊपर वाला डायग्राम बनाना है जिसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अ ruminant काऊ का छोटा सा डायग्राम दिया है. एरो लगाकर आपको यही डायग्राम बनाना है. नाउ द लेसन इज कम्प्लीट. आई विल गिव यू द लास्ट होम असाइनमेंट टुमारो.